हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिद्धिस क्रिएटिव किचन। तो आज आप एकदम डेरी स्टाइल खाटू मलाईदार दही जमावता शीखीशू, जे खूब सरल रीते बनी जाए। फक्त एक ट्रीक अपनावानी होय छे। अने आ रीते जमावेलू दही जल्दी थी खाटू पण नथी थतुं। तो उनाळामां तमे आ रीते जमावेला दही ने टिफिन में पण आपी शको छो। अने आ रीते जमावेला दही माथी बनेली कोई पण मीठाई एकदम टेस्टफुल बने छे अने एकदम बारे जेवु टेक्स्चर पण मळे छे। तो चलो फटाफट रेसिपीनी शुरुआत करी दईए। चोक्कसथी वीडियोने अंत सुधी कापिया वगर जोशो अने तमारा बधा ज अभिप्रायो मारी साथे कमेंट सेक्शनमां पण शेर करशो। फ्रेंड्स, रिद्धिस क्रिएटिव किचन पर फर्स्ट टाइम आव्या होय तो अचूकथी चेनल ने सब्सक्राइब करजो। बाजूमां रहेल बेल आइकॉन पण अवश्य प्रेस करशो जेथी तमने आवनार नवा बधा ज वीडियोनी नोटिफिकेशन्स मळती रहे। तो सौथी पहेला आपणे एक चमची जेटलो दूधनो पाउडर लईशुं। हवे अत्यारे मैं फूल फेट दूध लीधेलू छे, अत्यारे अमूल गोल्ड लीधेलू छे अर्धा लीटर। सौथी पहेला आपणे थोड़ू दूध दूधना पाउडरनी अंदर मिक्स करी दईशुं जेथी तेमां गांठा न पड़े। एकदम सरस रीते बधो ज पाउडर मिक्स थई गयो छे। हवे बाकीनुं दूध पण एमां मिक्स करी दईशुं, बधुं ज बराबर हलावी लईशुं। हवे आ दूधने पहेला हाई फ्लेम पर एक ऊभरो आवे त्यां सुधी गरम करीशुं अने आ रीते चमचाथी फेरवता जईशुं जेथी तळिये चोटी पण नहीं जाए अने जल्दीथी ऊभरो आवी जशे। तमे जोई शको छो एकदम सरस एक ऊभरो आववा मंड्यो छे। हवे आपणे गेसनी फ्लेम ने लो पर करी दईशुं अने बधुं ज बराबर आ रीते मिक्स करी दईशुं। फ्रेंड्स, 2-3 मिनिट माटे आपणे लो फ्लेम पर आ रीते उकाळी लीधेलू छे। तमे जोई शको छो एकदम सरस घट थई गयुं छे। हवे गेसनी फ्लेम ने बंद करी दईशुं। हवे तेने ज्यारे आ गरम होय त्यारे ज आ रीते तेने गोळ गोळ फेरवता जईने फेटी लईशुं। हवे आपणे जे वासणमां आपणे दही जमावानुं छे तेमां तेने लई लईशुं अने तेने ठंडू करी दईशुं। तमे कोई पण वासणमां आने जमावी शको छो। फ्रेंड्स, जो एकदम सरस रीते थोड़ू ठंडु थई गयुं छे अने ऊपर छे ते मलाई जामवा लागी छे तेने पण आपणे मिक्स करी दईशुं। दूध एकदम वधारे ठंडु नथी करवानुं, जो आपणी आंगळी सहन करी शके एटलो लूकवर्म रहे तेटलुं ठंडु करीशुं। हवे तेनी अंदर आपणे अर्धीथी पोणी चमची जेटली छाश उमेरी अने हळवेथी तेने मिक्स करी दईशुं। हवे तेने ढाँकीने 6-7 कलाक माटे जामवा माटे मूकी दईशुं। 6-7 कलाक जेटलो समय થઈ ગયો છે, ચેક કરી લઈએ। જો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ઘાટું દહીં જામ્યું છે, વાસણ હલાવતા પણ તેમાંથી હલતું નથી, એકદમ સરસ બારે જેવું જ દહીં જામ્યું છે। હવે આને ફ્રીજની અંદર 2-3 કલાક માટે ઠંડુ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું દહીં એકદમ સરસ રેડી થઈ ગયું છે। 3-4 કલાક જેવું મેં આને ઠંડુ કરેલું છે, તમે જોઈ શકો છો પાણીનો ભાગ બિલકુલ નથી દેખાતો। આપણે તેને ચમચીમાં લઈને પણ જોઈ લઈએ, જો એકદમ સરસ ચોસલા પડે એ ટાઈપનું દહીં જામ્યું છે। આ રીતે જમાવેલા દહીંમાંથી તમે શ્રીખંડ, મઠો, એ કોઈ પણ વસ્તુ બનાવશો તો એકદમ સરસ ટેક્સચર અને ટેસ્ટ આવશે, પાણીનો ભાગ પણ બિલકુલ નથી। જરૂરથી આ ટ્રીક ટ્રાય કરી અને તમારા અભિપ્રાયો મારી સાથે કમેન્ટ સેક્શનમાં શેર કરશો। ફરીથી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ, આવજો, જય શ્રી કૃષ્ણ।